पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ और अरशद नदीम साहब की वालदा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अरशद नदीम साहब ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। अल्लाह ने बहुत करम किया कि एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के लोगों को अरशद नदीम साहब के हाथों से खुशी नसीब हुई और पाकिस्तान का परचम जो यहाँ पे रहने वाले मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उनकी ख्वाहिश है कि इस मुल्क का परचम दुनिया में सबसे ऊंचा लहराए और वो अरशद नदीम साहब ने अल्लाह के करम से साबित किया और फ्रांस में पेरिस में पाकिस्तान का परचम दुनिया के तमाम परचमों से ऊपर लहराया। और ये हमारे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है। हमारे हीरो हैं, इन्हें जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। और मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियात जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं सब ने बहुत खुशी का इज़हार किया और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने खुशी का इज़हार किया। और जिस तरीके से अपने कौमी हीरो का वेलकम पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के कोने कोने में लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। हम दुआगो हैं कि इंशाल्लाह मुझे ईमानदारी से उस दिन रात को मेरा ये दिल कहता था कि अरशद नदीम जो है वो 95 से ऊपर जाएंगे। ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार 10 बजे बस आप ख़त्म करो, मैंने जाके देखना है जो है। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 2 नफल हाजत के पड़े, अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा मेरे मालिक अरशद नदीम के बाजू को मौला अली अलैहिस्सलाम वाली ताकत अता फरमाएं ताकि जो है वो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले पूरी दुनिया में हो जाए। और फिर पहला थ्रो जो अरशद नदीम साहब का था वो फाउल हुआ, दूसरे में जब इन्होंने थ्रो फेंका तो मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि ये 92.97 पे जो है वो चला गया। और फिर अचानक से जब स्टेडियम में आवाज़ बुलंद हुआ और देखा तो मैंने ये बात पहले भी की और कई लोगों ने इस पे तनकीद भी की, लेकिन वो पाकिस्तान से मोहब्बत थी। मालिक ने जिस तरह हम पे ये मेहरबानी की है, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है, बाकी मामलात में भी अल्लाह हम पे करम करे और ये मुल्क जिस मकसद के लिए बना था, जिस मकाम के लिए बना था, अल्लाह इसको हमारी ज़िंदगी में उस मकाम तक पहुँचाए। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अपने वालदैन का, पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का जिन्होंने मेरे लिए माशाल्लाह दुआएं की। और मैंने पेरिस ओलंपिक्स गेम 2024 में अलहमदिल्ला गोल्ड मेडल जीता और उनके साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स का अलहमदिल्ला रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। और इनके साथ मैं अपना गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह मेरा वेलकम किया और उनकी पूरी टीम का जिन्होंने माशाल्लाह मुझे इतनी इज्जत दी है। और मैं अपने पंजाब में पहुँचा हूँ, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह मैंने विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा पाकिस्तान ही मुझे माशाल्लाह इज्जत दे रहा है। और देखा जाए तो ये प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है जो पाकिस्तानी आवाम जो है मुझे इतनी माशाल्लाह इज्जत दे रही है। जैसे सर ने बोला कि माशाल्लाह मैंने नफल भी अदा किए और पहली थ्रो जो मैंने फॉल की वो दरअसल माशाल्लाह एक तो दुआएं माशाल्लाह इतनी मेरे पीछे थी और मेरी अपनी मेहनत थी, कोच साहब की, समानपाल बार साहब की माशाल्लाह मेहनत थी, जो डॉक्टर अली शेख बाजवा साहब उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट की क्योंकि मैं मेरी सर्जरी भी हुई थी इसी साल और 2 दफ़ा बाद मुझे इंजरी भी हुई, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा वर्क किया। और फीलिंग माशाल्लाह इतनी आ रही थी कि वो जब मैं पहली थ्रो करने लगा तो रनअप भी भूल गया, दोबारा फिर वापस आया, फिर मैंने कोशिश की कि थ्रो करूं तो बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि एक मिनट के अंदर अंदर आपने वो थ्रो करनी होती है, तो जिसकी वजह से माशाल्लाह फीलिंग बड़ी अच्छी थी। तो फिर वो पहली थ्रो मैंने खुद ही फाउल कर दी और दूसरी थ्रो में अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को समझाया तो अल्लाह ताला ने दूसरी थ्रो पर मुझे इज्जत दे दी
मुझे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानी को इज्जत दी अल्लाह ताला ने। और इसी तरह ये मेरे घर में दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि आखिरी थ्रो तक अलहमदुल्ला जो है मैंने 90 क्रॉस की। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है।